हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर की थीम समझाई है कि चैप्टर आखिर किस बारे में है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिस्टमेटिकली वन बाय वन सारे टॉपिक्स को समझते चलेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, एक सवाल के साथ बताया था कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की आज जो पोजीशन है ये हमेशा से वैसी नहीं रही है, ठीक है, जैसी हम आज देख रहे हैं। तो बदलाव आया है। अब बदलाव आया है, क्यों आया है, कैसे आया, क्या फोर्सेस थी जिसने ये बदलाव लाई है, तो वो सारी चीजें क्या है, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनिशियली जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की गई थी, जिस थ्योरी को हम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं कि आज रिजेक्ट कर दिए, आज भी मानते कि हाँ ये रहा होगा, तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो सारे आर्ग्यूमेंट्स, उनकी जो थ्योरी थी वो सारी थ्योरीज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है इसे समझने वाले हैं। अब देखो, क्लास 11th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट गिवन बाय अल्फर्ड वैगनर, ठीक है। उसके साथ साथ में और भी कुछ नाम है, वो भी मैं बताऊंगा। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक जिस्ट पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या चीज, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स हैं वो भी समझाऊंगा। क्लियर हुआ? तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलना। बुक है एनसीईआरटी की तो वेल एंड गुड, पढ़ते चलना, बाकी कवर कंटेंट पूरा कर लिया हमने। देखो तो क्या होता है, ऑब्जर्व द शेप ऑफ कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन ये रहा पूरा, ये अटलांटिक ओशियन है। अब अटलांटिक ओशियन की कोस्टलाइन को ऑब्जर्व करना है, बस क्या करना है, अटलांटिक ओशियन की कोस्टलाइन को बैठ के ऑब्जर्व करना है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिमेट्री दिखेगी यहां पे, ठीक है, ये ऐसी सिमेट्री दिखेगी कि हाँ बराबर एकदम बांटा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने दो टुकड़े कर दिए और बीच में ओशियन आ गया है, ठीक, ऐसी सिमेट्री दिखती है, दिख रही है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको एस शेप भी दिखेगा यहां पे, इस तरह से एस बनता हुआ दिख रहा है और सिमेट्री एकदम कि हाँ जितना ओशियन इधर है तो फिर इधर आगे लैंड मास है, क्लियर। उस तरह से आपको एक सिमेट्री देखने को मिलेगी, सिमेट्री ऑफ कोस्ट लाइन। अब ये क्या है, कोइंसिडेंस है क्या, कोइंसिडेंस कह लो या फिर कह लो कि ज्योग्राफी जो थी पहले क्या थी, इसी तरह से बनी हुई थी, क्लियर। तो वो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पे क्या है, जब ये सिमेट्री देखने को मिली तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने, कार्टोग्राफर्स ने जो मैप बना रहे थे, उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार पॉसिबिलिटी हो सकती है। किस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस ज्वाइन टूगेदर, ठीक है। आप जरा देखो, दो अमेरिका को एक साथ ज्वाइन कर दो, मतलब ये दोनों अमेरिका जो है आगे खिसका दो, दोनों अमेरिका जैसे आगे खिसक जाएंगे, ये एक अमेरिका अफ्रीका से ऐसे सटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी अब आपको जब एविडेंस पढ़ाऊंगा ना मैं, तब आपको समझाऊंगा कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो एविडेंसेस है वो ये बताते हैं कि किस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे ये फिट हो रहा है एकदम पजल की तरह, क्लियर। तो फिर आप आगे देखोगे तो ये जो नॉर्थ अमेरिका, ये भी यूरोप में इस तरह से फिट हो रहा है, ये पूरा सेट हो रही है ना बाउंड्री यहां पे। तो इस तरह से क्या है कि कोस्टलाइन को अगर देखते हैं अटलांटिक ओशियन की, तो ये पॉसिबिलिटी समझ में आती है कि हाँ एक समय पे दोनों अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सब कुछ जुड़ा होगा, ये सारा सब कुछ जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सिमेट्री दिखती है वो इस चीज का एविडेंस देती है, हमें इस चीज की पॉसिबिलिटी बताती है, क्लियर हुआ। अब जैसे आपने अभी देखा तो बोला हाँ सर बात तो सही है, तो उस समय पे जो साइंटिस्ट थे, जो कार्टोग्राफर्स थे, जो ज्योग्राफर्स थे, उन लोगों ने भी देखा और उन लोगों ने भी क्या कहा कि हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है, ठीक। तो जैसे हम देखते हैं अब्राहम ऑर्टिलियस, देखो ये नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ जुड़े हुए, तो ध्यान रखना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक फुल फ्लेजेड वे में एक्सप्लेन करने का काम इनका है, ठीक है, अल्फर्ड वैगनर का। लेकिन उससे पहले भी एफर्ट्स लगाए गए थे कार्टोग्राफर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, उन लोगों का क्या कहना था वो समझते हैं। तो जैसे अब्राहम ऑर्टिलियस, ठीक है, डच मैप मेकर, बेल्जियम से थे ये, बेल्जियम इनका जन्म हुआ था, इनका काम था मैप बनाने का। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें उस चीज के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है कि पहला वर्ल्ड मैप बनाया इन्होंने, ठीक है, मतलब ग्लोब वो बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है इन्हें। तो डच मैप मेकर हु फर्स्ट प्रपोज्ड सच अ पॉसिबिलिटी एज अर्ली एज 1596, बहुत पहले उन्होंने क्या करा, ये पॉसिबिलिटी दे दी कि हाँ इस तरह से दोनों अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब कुछ जुड़ा हो सकता है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन की कोस्टलाइन को अगर हम देखेंगे तो सिमेट्रिकल दिखती है, ठीक है। तो अब्राहम ऑर्टिलियस के बाद में क्या होता है, उनकी बात हो गई, उनके बाद में जैसे आप देखोगे तो एंटोनियो पेलिग्रिनी, ठीक है, एंटोनियो पेलिग्रिनी जो है, तो वो अल्फर्ड वैगनर की जो थ्योरी उसको और सपोर्ट देते हुए, क्या मतलब एंटोनियो पेलिग्रिनी जो है ना, ये भी क्या करते हैं, ये भी उस आर्ग्यूमेंट को और मजबूत बताते कि हाँ तीनों कॉन्टिनेंट्स जुड़े
हो सकते थे, ठीक है। तो ही ड्रू अ मैप शोइंग द थ्री कॉन्टिनेंट्स टुगेदर, उन्होंने क्या करा, एक मैप बनाया जिसमें उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को साथ में जुड़ा हुआ दिखा, उन्होंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आप देखोगे ना तो उन्होंने यहां पर क्या है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप तो है ही है, साथ ही साथ में ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो वाला पार्ट था, उनको सबको साथ में जोड़ के एक मैप बनाया, समझ रहे हो ना। देखो ये मैप है, अब ये मैप जो है पुराना उस समय का, तो जो फोटो मिली हमें वो बता रहे हैं हम आपको किस तरह से एंटोनियो पेलिग्रिनी की अगर आप इमेजेस को देखोगे, उनके द्वारा जो मैप बनाया गया उसे देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, उन्होंने एकदम जिग्सॉ फिट बता दिया, मतलब सारी चीजें एक साथ सेट हो रही है, फिट एक साथ क्या हो रही है, फिट हो रही है। तो उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स को, ये मतलब आप देखोगे तो इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के दिखा, उन्होंने बोला कि हाँ मैं जो मैप बना रहा हूं इस मैप को देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें फिट होती। फिर उन्होंने अलग करके भी दिखा दिया कि अटलांटिक ओशियन जो है ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये बीच में बटा हुआ एक तरह से, और इसके अलग होने से क्या होता है, कॉन्टिनेंट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप जोड़ के देखोगे तो मैप एक साथ जुड़ा हुआ भी दिख सकता है, ठीक है। ये एंटोनियो पेलिग्रिनी की देन थी, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर क्या होता है, आप सबने अपना अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया, फिर आते हैं अल्फर्ड वैगनर, ठीक है, अल्फर्ड वैगनर स्मार्ट लग रहे नहीं है, तो अल्फर्ड वैगनर जो है, अल्फर्ड वैगनर ने क्या किया, अब इनका भी कंट्रीब्यूशन देखो, तो अ जर्मन मीटियोलॉजिस्ट हु पुट फोर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912, ठीक है। तो जर्मन मीटियोलॉजिस्ट थे, मतलब मौसम विभाग में काम करते हैं, लेकिन अब ज्योग्राफर, वंस अ ज्योग्राफर ऑलवेज अ ज्योग्राफर, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इस थ्योरी पे और काम करते हुए उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करी किस चीज के लिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए 1912 में वो थ्योरी देते हैं जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो मैं बोल दूंगा क्या, मैं बोल दूंगा कि एक समय पर मार्स और अर्थ तो एक ही थे, आप बोल दोगे ठीक है आपने बोल दिया आपकी इच्छा स्वतंत्रता की आजादी, लेकिन प्रूफ करके दिखाओ ना। तो वैसे ही क्या है कि अल्फर्ड वैगनर ने ये बोल दिया कि कॉन्टिनेंट जो थे वो ड्रिफ्ट करके अलग अलग हो गए। इन लोगों ने बताया कि हम पॉसिबल था, पॉसिबिलिटी है कि वो जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अब वो अल्फर्ड वैगनर कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि वो ड्रिफ्ट करके अलग अलग हो गए। अब इनसे सवाल किया गया, चलो ड्रिफ्ट कर गए, क्यों कर गए, कैसे कर गए, आप प्रूफ दो, एविडेंसेस दो, ठीक है। तो अब जो प्रूफ है, एविडेंसेस है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे, जो इन्होंने हमें दिए थे वो हम आपको दे देंगे, मतलब जो एनसीईआरटी में है वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले सवाल ये आया होगा कि आखिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है सर, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, चलो वो समझते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई ना आपको, कि जब आप अटलांटिक ओशियन को देखते हो तो पॉसिबिलिटी नजर आती कि सबको जुड़ा हो सकता था भविष्य पास्ट में, भूतकाल में, ठीक है। तो अब क्या है, अब अगर आप देखोगे यहां पर तो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन से हमें इस चीज समझ में आती है, और यही चीज जो अलग अलग कार्टोग्राफर्स ने जो मैप का काम करते हैं वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मीटियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो मौसम विभाग वगैरह ये सारी चीजें, क्लियर। अब जियोग्राफी से ही जुड़े हुए हैं, तो अब्राहम ऑर्टिलियस, एंटोनियो पेलिग्रिनी और अल्फर्ड वैगनर की जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थी उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो मैंने आपको बताया। कॉम्पिटिटिव्स की जो तैयारी कर रहे हैं नाम ध्यान रख लेना, ठीक। और क्लास इलेवंथ वाले बच्चों, रो के हंस के आपको नाम याद रखना है, रखना पड़ेगा, ठीक। अब क्या है, देखो एक तरीका बताता हूं, अपने क्लासमेट्स के नाम रख दिया करो कि तेरा नाम आज से अब्राहम पेलिग्रिनी है, ठीक है, याद हो जाएंगे, क्लियर। अब आगे क्या है, अब आगे अगर देखते हैं हम तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू वैगनर ऑल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म द सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशियन सराउंडेड बाय द सेम, ठीक है। क्या कहते हैं, समझ में आया ना, कि अर्थ था, अर्थ आज है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, हम रहे ना रहे, ठीक है, यह रहेगा। तो अब अर्थ जो है, तो वैगनर जो है अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब पहले जुड़े हुए थे, ऑल दी कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बना हुआ था। सिंगल कॉन्टिनेंटल मास में हम आपको ये चीज दिखाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अल्फर्ड वैगनर इसी को कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो, आज जितना भी लैंडमास है वो सारा लैंडमास पहले जुड़ा हुआ था इस तरह से, ठीक है। तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरेशिया, यूरेशिया में यूरोप और रशिया आ जाएगा, ये सब कुछ पहले ऐसा जुड़ा हुआ था। यही अल्फर्ड वैगनर कहते हैं अपनी थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, मतलब इस तरह से स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी वो, ठीक। अब जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसे क्या कहा गया, पेंजिया, ऑल अर्थ सुपर कॉन्टिनेंट ये, ठीक है। ये सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया, इसे ऑल अर्थ कहा, तो ये पेंजिया हो गया आपका पूरा एक साथ, ठीक, पेंजिया। और जो पानी वाला पार्ट है ये, ठीक है, उसे ऑल वाटर को पेंथलासा कहा गया, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब सब कुछ मिला हुआ, पेंजिया, देखो नाम ध्यान रखना एक एक, और पानी वाला जो पार्ट है वो हो गया पेंथलासा, पेंजिया पेंथलासा की कहानी, ठीक है, ध्यान रहेगी, पेंजिया पेंथलासा हो गया। अब आगे क्या कहते हैं वो देखो, तो इस तरह से एक मेगा ओशियन था जिसका नाम पेंथलासा, सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगन टू स्प्लिट। अब वो क्या कहते हैं कि आज से
200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, आज से 200 मिलियन ईयर अगो, एक दो साल, पांच साल, बीस साल, सौ साल की बात नहीं कर रहे हैं, 200 मिलियन ईयर अगो की पहले की बात कर रहे हैं वो। तो वो कहते हैं कि जो पेंजिया था ना सुपर कॉन्टिनेंट, जो सब कुछ मिला हुआ था, वो पेंजिया क्या होने लगता है, वो पेंजिया स्प्लिट होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगन टू स्प्लिट। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये स्प्लिट क्यों कर रहा है। देखो, स्प्लिट करने के पीछे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। वेगनर के हिसाब से उन्होंने दो फोर्सेस बताए, वो आप आगे पढ़ोगे कि क्या दो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो टाइडल फोर्स बताते हैं, वो पोल फ्लिंग फोर्स बताते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो फोर्स क्या है इस पर अभी चिंता मत करना, आगे चैप्टर में है वो चीज। तो अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं कि आखिर थ्योरी उन्होंने क्या प्रेजेंट करी थी। तो वेगनर के हिसाब से पहले क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक मेगा ओशियन था, पेंजिया पेंथलासा। फिर वो कहते हैं कि जो पेंजिया था उसके अंदर स्प्लिट आता है। अब वो एक टुकड़ा था, अब आपको क्या करते हैं, मान लो कि आपको क्या एक बड़ा सा पिज्जा देते हैं, अब उसको में अगर आप अलग अलग पीसेस काट दोगे स्प्लिट आ गया, ठीक है। तो उस तरह से बड़ा बड़े से पिज्जा में स्प्लिट आ सकती है। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे अर्थ में भी स्प्लिट आती है पेंजिया में, ठीक है। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। चलो अब जरा कहानी यहां पर आती है, ठीक है। तो जीआईएफ को पकड़ना, ठीक है, मतलब वो जो स्टार्ट हो रहा ना, तब ये ऊपर एक नॉर्थ गया, एक साउथ आया, देखा था, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर एक नॉर्थ गया और एक नीचे साउथ का पार्ट आया। तो अल्फ्रेड वैगनर ये कहते हैं कि जब स्प्लिट आया ना, तो स्प्लिट में ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट जो था उसका नाम रखा लॉरेशिया, ठीक है, जो साउथ वाला पार्ट था इसका नाम रखा गोंडवाना लैंड। क्लियर हुआ यहां तक, लॉरेशिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है। अब फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि लॉरेशिया जो गया तो नॉर्थ का पार्ट हो गया ये, और गोंडवाना लैंड जो है वो नीचे साउथ का पार्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, जो पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट उसमें स्प्लिट आया, उसमें स्प्लिट आने से एक पार्ट जो रह गया हमारा वो लॉरेशिया का नदन पार्ट बनेगा, और एक नीचे वाला जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड, सदन पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। क्लियर हुआ ये, ठीक। फिर आगे क्या कहते हैं, पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, फॉर्मिंग द नदन एंड सदन कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना कंटिन्यूड टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स दैट एग्जिस्टेड टुडे, ठीक है। फिर क्या होता है कि लॉरेशिया में और टुकड़े हो जाएंगे तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सब कुछ बन गया। गोंडवाना में और टुकड़े हो जाएंगे तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब बन जाएगा, ठीक। ये पूरी थ्योरी जो थी वो अल्फ्रेड वैगनर ने प्रेजेंट करी। आशा करता हूं थ्योरी आपको समझ में आई है, ठीक है। अब देखो एक बार स्नैप रिकैप करवा देता हूं, थ्योरी हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई। तो अल्फ्रेड वैगनर इस तरह से पूरी कहानी को समझाते हैं, एक बार पूरा पढ़ ले फिर से, ठीक। तो जो जियोग्राफर्स थे, कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार पहले पॉसिबिलिटी हो सकती थी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हों, ठीक है। तो उसी लाइन में आप देखोगे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट दिए। अब्राहम ऑर्टिलियस ने क्या किया, उन्होंने एक मैप बनाया, ठीक है, जिसमें मतलब बहुत पहले बनाया और मैप 1596 में, जिसमें उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई कि सब कुछ जुड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर एक मैप डिजाइन किसने किया, एंटोनियो पेलिग्रिनी ने, ठीक। एंटोनियो पेलिग्रिनी ने मैप जो डिजाइन किया उसके बाद में एक फुल फ्लेजेड वे में पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी किसने डिफाइन करी, अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी में बताया क्या कि पूरा लैंडमास जो था एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, और पूरा ओशियन जो है अलग अलग, आज वो सब कुछ एक ओशियन था जो है पेंथलासा, ठीक है। पेंथलासा मतलब क्या होगा, मेगा ओशियन, ऑल वाटर। पेंजिया मतलब क्या हो गया, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जो है, तो ऑल अर्थ हो गया। फिर क्या है, फिर अगर जैसे देखोगे तो 200 मिलियन ईयर अगो क्या होना स्टार्ट होता है कि जो कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट उसमें स्प्लिट आना चालू होता है, कॉन्टिनेंट में स्प्लिट आना चालू होता है, कॉन्टिनेंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ में लॉरेशिया, साउथ में गोंडवाना लैंड, ठीक है, साउथ में गोंडवाना लैंड। और अब क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में स्प्लिट हो गया, उसके बाद में जो गोंडवाना लैंड था वो और स्प्लिट हो जाता है, तो गोंडवाना लैंड में से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है, और ऊपर जो लॉरेशियन लैंड था उसमें से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, स्प्लिट पूरा होता है, आज जो आप कॉन्टिनेंट और ओशियन देख रहे हो वो ऐसे बनते हैं। अब आप बोलोगे सर ओशियन कहां चले गए, तो जमीन खिसकते चले गई और जो जहां जहां डिप्रेशन आते चले गए, तो बीच में अटलांटिक ओशियन कैसे आया, पानी तो जैसे आप एक जगह पानी भरा है वहां मिट्टी डाल दोगे तो पानी बह के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ओशियंस ने फिर जहां जहां डिप्रेशन मिलता चले गया अपनी अपनी जगह बनाते चले गए, और ओशियंस जो है तो उस तरह से फिलअप करते चले गए उन डिप्रेशंस को। क्लियर है, ये पूरी कहानी थी। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर एविडेंसेस क्या दिए, ये तो थ्योरी दी उन्होंने, एविडेंसेस क्या दिए वैगनर ने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंसेस क्या दिए, ठीक है, उन्होंने किस तरह से अपनी बात को, अपने आर्ग्यूमेंट को क्या किया, प्रूफ किया कि हाँ देख लो ये सब पहले जुड़ा हुआ था, ये कारण है। एक कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर वो पजल की तरह फिट हो रहे हैं, तो एक कारण वो है, और भी कारण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फोर्सेस जो है वो भी आप सब्सिक्वेंटली पढ़ोगे, तो सारी चीजें आप वन बाय वन अनफोल्ड करते जाओगे। पैटर्न आपको पता है ना,
जैसा हम अभी तक 3 चैप्टर पढ़ के आए हैं पहले के, क्या कि हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलो ये हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इतनी है सिंपल सी, अगर आपसे जैसे बहुत समराइज्ड वे में पूछी जाए, अगर आपको कहा जाए कि आप 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दो किसी को, तो आप कर सकते हो ना, पंजिया, पेंथलासा, लॉरेशिया, गोंडवाना, स्प्लिट, ये सारा सब कुछ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।